और अगर तुम्हारे पेपर्स में सिग्नेचर नकली हुए तो मैं खुद उठकर तुम्हारे अगेंस्ट धोखाधड़ी का केस फाइल करूंगा। नागरे, I want to tell you something interesting. प्रीता ने इनमें से कुछ लोगों को ही पेपर्स दिखाए। सबको नहीं दिखाए। You know why? क्योंकि प्रीता नहीं चाहती कि उसकी चोरी पकड़ी जाए। और वो दो तीन लोग ये उनमें से हैं, जिनको लीगैलिटी का एल भी नहीं पता। वेट पृथ्वी, ये केस अब मेरा है। अब इस केस का वकील भी मैं और जज भी मैं हूं। अब तुम बीच में मत आओ। ये सब आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? ड्रामा, और इस ड्रामा में नागरिक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। यू प्रीता, यू आर गॉन। अब तुम्हारा ये कमंड चकनाचूर हो जाएगा एंड आई विल मेक श्योर दैट यू आर टोटली फिनिश्ड। प्रीता मिली होगी तुम हजारों लोगों से आज तक, लेकिन नागरे जैसे से पहली बार मिली होगी। ये नागरे तो ब्लैक मार्केट में व्हाइट कॉलर वाले क्रिमिनल्स का बाप है प्रीता, इसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं। वाओ, वेरी नाइस। ये पेपर कहते हैं कि लुथरास की सारी प्रॉपर्टी, सारी कंपनी की इकलौती मालकिन है प्रीता। व्हाट नॉनसेंस नागरे। वेट पृथ्वी, इस प्रॉपर्टी का कोई भी फैसला होगा वो आखिरी फैसला प्रीता का होगा। और इनफैक्ट साइनिंग अथॉरिटी भी प्रीता के पास ही होगी। इन शॉर्ट, पृथ्वी को जो कुछ भी दिया गया था वो उससे लेके ही प्रीता को दिया गया है। वेट पृथ्वी, मैं कुछ और भी देखना चाहूंगा। पृथ्वी तुम अपने पेपर दिखाओ। वन सेकेंड। अब इन दोनों के पेपर्स मेरे पास है और जिस किसी के पेपर्स में लेटेस्ट डेट होगी वो ही इस घर का मालिक होगा। समझे? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीता के पेपर पे नवंबर की डेट हुई और अगर पृथ्वी के पेपर्स पे दिसंबर की डेट हुई तो इसका मतलब है कि पृथ्वी इस घर का मालिक है। वैसे आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए देख सकते हैं पेपर्स, लेकिन मैं आपको वर्बली बता सकती हूँ, पृथ्वी के पेपर्स 3 नवंबर को साइन हुए थे। और मेरे पेपर्स 30 नवंबर को। और इन सब चीजों में आप एक बात भूल रहे हैं, पृथ्वी के जो पेपर्स हैं वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं,
यानी कि लूथराज का बिजनेस कंपनीज और हाउस मैनेजमेंट के पेपर्स, और मेरे जो पेपर्स हैं वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स हैं, यानी कि ये घर और लूथराज के सारे बिजनेसेस मेरे नाम पर करने के पेपर्स। तो दोनों ही सूरतों में इस घर और कंपनी की मालकिन मैं हुई, पर आप अपनी तसल्ली के लिए खुद चेक कर सकते हैं। कैरी ऑन। राइट, पर मुझे साइन तो चेक करने दो, क्या पता तुम्हारे पेपर में साइन नकली हो। वो सिग्नेचर ही तो होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। पृथ्वी मल्होत्रा के पेपर पे थोड़े साइन डिफरेंट है और प्रीता के पेपर पे साइन थोड़े डिफरेंट है। एग्जैक्टली, ये मैंने भी नोटिस किया। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि जब महेश पापा ने पृथ्वी की पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करी, या मैं ये कहूं कि जब पृथ्वी ने महेश पापा से इन पेपर्स पर सिग्नेचर लिए, तो वो अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। मतलब आप देख सकते हैं, ये सिग्नेचर क्लियरली बता रहे हैं कि साइन करते वक्त सिग्नेटरी के हाथ कांप रहे थे। वो तो तीन सूरतों में हो सकता है, या तो महेश पापा को ज्यादा ड्रिंक कराई गई हो, वो ओवर ड्रंक स्टेट में हो, या फिर उनको डरा धमका कर ये सिग्नेचर लिए गए हो। और पृथ्वी, ऐसे कामों में तो तुम माहिर हो ना, करण को भी तो तुमने ज्यादा ड्रिंक करवा दी थी, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा रहा था। What nonsense! पृथ्वी, वेट, मुझे कुछ और भी देखना है। प्रीता, क्या तुम्हारे पास कोई और ओरिजिनल पेपर है? कोई और ओरिजिनल पेपर? ऐसा कोई सेंटेंस भी नहीं होता है। ओरिजिनल सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट होता है और वो आपके हाथ में है। Are you sure? आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? वो क्या है ना कि मैं कानून का आदमी हूँ और कानून की नजर से देखता हूँ। क्या आप यही बात गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोल सकती हैं कि यही पेपर ओरिजिनल है? देखिए मिस्टर नागरे, इस वक्त मेरे हाथ में गीता नहीं है, लेकिन मन में गीता का भाव जरूर है। अगर हाथ में गीता होती तो जरूर मैं कसम खाकर कह देती। ओके, मैंने ये पेपर चेक कर लिए, ये पेपर और सिग्नेचर दोनों परफेक्ट है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि लूथराज की सारी प्रॉपर्टी की मालकिन प्रीता है। और ये जब भी चाहे किसी को भी घर से और बिजनेस से निकाल सकती है। और तुम्हें भी।
अगर 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 ये पेपर सलामत रहे तो पेपर में तुमने महेश लुथरा के साइन लेने के लिए तुमने कितनी मेहनत करी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी, तुमने उनके साइन ले लिए, असली साइन लेने में कामयाब हो गई। लेकिन मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी जीत को हार में बदल दिया, तुम्हारे इतने बड़े मकसद को, इतने बड़े मुकाम को मिट्टी में मिला दिया। और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत को मैंने हार में बदल दिया और तुम्हारा सपना चूर चूर हो गया। पेपर के टुकड़ों पे बना हुआ ये तुम्हारा राजमहल एक सेकंड में मैंने नष्ट कर दिया। और देखा, इतना बड़ा लुथरा परिवार लेकिन कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है, क्योंकि ये सब तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें दिन रात सहते हैं। ये प्रीता अरोड़ा आज मेरे सामने आई है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं किसी को बिना जाने नहीं मिलता और तुम्हें अच्छी तरह से जानकर आज मिला हूं। तुमने अपने कॉम्पिटिटर को, अपने ओपोनेंट को हराने की हर वो कोशिश करी और तुम्हें लगा कि तुम जीत गई, लेकिन जब तुमने मुझे यहां देखा तो तुम डर गई। तुमने अपने पेपर्स उस वकील को दे दिए जो पृथ्वी का वकील है। मैं वकील ही नहीं, मैं उसका दोस्त भी हूं और उसकी हर एक साजिश का राजदार हूं। आपने क्या किया? मेरे पेपर्स क्यों भाड़े? उसमें महेश पापा के ओरिजिनल सिग्नेचर थे। This is so wrong. So Miss Preeta, जो तुमने सोचा था वो सब खत्म हो गया। प्रीता, अब तुम इस घर की ज्योग्राफी भूल जाओ, क्योंकि अब तुम इस घर में बस एक हिस्ट्री बन के रह जाओगी। क्या हीरोइन वाली एंट्री मारी थी तुमने? ऐसा लग रहा था कोई पिक्चर देख रहा हूं। तुमने सोचा ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, सब वेस्ट हो गया। आई फील रियली पिटी एंड सैड फॉर यू। सब पानी फिर गया। मिस्टर नागरे, आपने कहा था कि आप सबको अच्छे से पहचान लेते हैं, किसी को भी मिलने से पहले वो कौन है क्या है अच्छे से जान लेते हैं। तो आप पता नहीं लगा पाए कि मैं क्या चीज हूं। लेकिन मैं जानती हूं कि आप क्या चीज हो। सात साल की उम्र में पहली बार जेल गए थे। गए थे कि नहीं? और 35वें साल तक
7 बार जेल जा चुके थे। फिर आपने सोचा कि जेल जिसके चक्कर आपके लगते रहते हैं, जिस जेल की इतनी हवा खानी पड़ती है, कानून जिसे आप तोड़ते रहते हैं, अपने हाथ में लेते रहते हैं, क्यों ना आप उस कानून की ही पढ़ाई कर लें। तो एक क्रिमिनल ने क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन कर लिया, एक अपराधी ने अपराध का कानून पढ़ा, ताकि वो कानून के दायरे में रहकर कानून को तोड़ सके। अपनी काली करतूतों को काला कोट पहनकर छिपा सके। Am I right? तुमने मुझे कहा कि तुम किसी को जाने बिना उससे मिलते नहीं हो, लेकिन मैं अपने दुश्मन के सपोर्टर को बिना जाने भी मिल लेती हूँ, क्योंकि इतना मुझे कंफर्म्ड है कि अगर वो मेरे दुश्मन का सपोर्टर है, तो वो या तो मेरे दुश्मन की तरह घटिया है, या उससे भी बुरा है। और बुरे के साथ बुरा ही होता है। मिस्टर नागरे, तुमने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत लंबी चौड़ी कहानी कही थी, लेकिन मैं अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक वर्ड कहूंगी, स्मार्ट। आई एम स्मार्ट लाइक दैट। इसलिए मैं हर वक्त अपने दुश्मन के हर वार के लिए तैयार होती हूं। तो मेहनत और एफर्ट्स मेरे नहीं, तुम्हारे वेस्ट हुए, क्योंकि जो पेपर्स तुमने फाड़े हैं वो ओरिजिनल नहीं थे, सेरॉक्स थे। और ओरिजिनल पेपर गिरीश भैया जल्दी लाइए। ये पेपर जो मेरे हाथ में है इस वक्त, ये बौखला क्यों गए हो? पागल हो गए हो क्या? मेरी पूरी लाइन तो सुन लेते। ये पेपर जो मेरे हाथ में थे वो भी ओरिजिनल नहीं थे, अरे वो दूसरी ज़ेरॉक्स थी। तुम दोनों कॉपीज फाड़ते फाड़ते थक जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कॉपीज प्रोवाइड करते नहीं थकूंगी, क्योंकि प्रिंटर 5 मिनट में 20 कॉपीज निकाल देता है। तुमने मुझे अपने दोस्त पृथ्वी की तरह स्टूपिड और इडियट समझा है क्या? उसने तो खुद ही सभी घर वालों के सामने अपना राज खोल दिया कि किस तरह महेश पापा से जबरदस्ती सिग्नेचर लेकर वो इस घर का मालिक बना। और तुम दोनों की कहानी भी मुझे अच्छे से पता है, दोनों ने मिलकर जेल में कितनी पिकनिक मनाई है सब जानती हूं मैं। ये सब जानने के बाद तुम्हें लगता है मिस्टर नागरे कि तुम्हारे हाथ में मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देती? कभी भी नहीं। क्या कहा था तुमने? इस केस के वकील और जज दोनों तुम ही हो? क्या बात है, अपने आप में बहुत खूबियां ढूंढ लेते हो, किसी और में कोई खूबी नहीं दिखती तुम्हें? मुझ में कोई खूबी नहीं दिखी, अब दिखी? इतना इतराओ मत, इतना हवा में उड़ो मत। तुम्हारे जो ओरिजिनल पेपर्स हैं, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। मैं आज भी चाहूं तो पृथ्वी को इस घर का मालिक साबित कर सकता हूं। क्योंकि मैंने तुम्हारे ओरिजिनल पेपर की डेट्स देख ली है, और अब मैं जो पेपर बनाऊंगा वो दिसंबर मंथ के बनाऊंगा। डेट्स तो चेंज कर दोगे, ओरिजिनल सिग्नेचर कहां से लाओगे? कैसे भी लाऊं और कहीं से भी लेके आऊं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तुम अपना बैग पैक करके घर से निकलो।
24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे। तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया। मैं बहुत बड़ा खौफ हूं, डेंजरस मैन। सही पहचाना तुमने, मुन्ना पांडे का तो नाम तुमने सुना ही होगा, जिसने एक दिन में 37 खून करके रिकॉर्ड बनाया था। और कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। मैं ही था जिसने उसको जेल से नहीं फांसी की सजा से रिहा करवाया। और वो खौफ मेरे एक इशारे पे तुम्हारा खून भी कर देगा।